ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज की जो डेट है वो है 3 जुलाई और टाइम हो रहा है 9:08। यहाँ पर प्री ओपन मार्केट यहाँ पर क्लोज़ हो चुका है और निफ्टी जो है 57 पॉइंट का गैप अप हो रहा है और बैंक निफ्टी जो है 210 पॉइंट का गैप अप हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सेलिंग में यहाँ पर कुछ पोजिशंस हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सेलिंग की जो पोजीशंस है वो सामने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है निफ्टी का जो पुट है वो हमारा 50 पॉइंट का हमारा जो शॉर्ट था, तो जैसा कि मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है तो इसमें डीके देखने को मिलेगा। और जो हमारा निफ्टी का कॉल था वो थर्ड आउट ऑफ मनी था, तो यहाँ पर पॉसिबली इसमें भी थोड़ा डीके या फ्लैट या ज़्यादा प्रीमियम बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। तो वेट करेंगे, देखते हैं, अगर हमें यहाँ पर अच्छा खासा डीके मिल जाता है तो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे। अभी 9:15 पे होगा मार्केट ओपन, तो तब तक के लिए वेट करेंगे। ओके गाइस, 9:14 हो रहा है और यहाँ मार्केट ओपन होने वाला है 1 मिनट में। ओके गाइस, तो मार्केट ओपन हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर एक की प्राइस पॉइंट में सिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हमने फ्यूचर्स ट्रेड किया, बैंक निफ्टी फ्यूचर को ट्रेड किया। यहाँ पर क्यों जल्दी से एग्ज़िट कर लिया गया है, क्योंकि जब भी एक वीक वाली कैंडल आपको देखने को मिलती है तो उसके आसपास, क्योंकि ऑलरेडी 4 कैंडल का मूवमेंट हो चुका है यहाँ पर, तो जब भी आपको वीक वाली कैंडल देखने को मिले बाइंग में तो इसके बाद एक नेगेटिव कैंडल एक्सपेक्टेड होती है। 10 में से 9 बार आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अगर विक्स आ रही है कैंडल्स में, हायर विक यानी कि जो हमारी कैंडल है उसका 20% 30% तक अगर सेलर्स आ जा रहे हैं तो इसके बाद यहाँ पर सेलर्स देखने को मिल ही जाते हैं। अगेन, अगर लेकिन इसका हाई क्रॉस करता है, अगर आप रिस्क लेके वेट करना चाहते हैं तो इसका हाई जो रहेगा, जैसे कि इसका हाई है 234, तो 234 अगर क्रॉस करता है तो फिर यहाँ से फर्दर और अपसाइड मूवमेंट होता है, बट मैंने सेफ साइड के लिए यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया है। ओके गाइस, हमारी री एंट्री हुई है और हमारा जो है 188 पे सेल है, देखेंगे सही पॉइंट पे हम एग्ज़िट प्लान करेंगे। ओके गाइस, अगर हम जाकर के चार्ट देख लें यहाँ पर बैंक निफ्टी फ्यूचर का, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस मूवमेंट कर रहा है और अगर मैं इसकी टाइम फ्रेम चेंज करके 15 मिनट कर दूँ तो आप ये मूवमेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कोई भी इशू नहीं है, जो वहाँ से सेलर्स बीट हो चुके हैं और हमारा ट्रेड यहाँ पर अभी कंटिन्यू चल रहा है। वेट करेंगे, देखते हैं, SL यहाँ पर लगा हुआ है हमारा। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 9:50 और यहाँ पर हमारा अभी फ़िलहाल में 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो यहाँ पर वेट करेंगे, थोड़ा मार्केट कंटिन्यूस मूव कर चुका है, अगेन एंट्रीज़ मिलेगी तो एंट्रीज़ को प्लान किया जाएगा और पोजीशंस को शेयर किया जाएगा। ओके गाइस, टाइम हो रहा है 10:07 और यहाँ पर हम एक लर्निंग पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, तो जैसे कि फ्यूचर का चार्ट है यहाँ पर देखेंगे, कभी भी अगर प्रीवियस स्विंग जो बाइंग चल रहा है या सेलिंग चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो जो प्रीवियस स्विंग है उसको मार्केट कंटिन्यू करने का ट्राई करता है। तो कभी भी हम जैसे यहाँ पर बाइंग स्विंग में है और एकदम से सेलर आ रहे हैं तो यहाँ पर वेट कीजिए, यहाँ पर बायर्स अगेन ट्राई करते हैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए।
बट अगर फर्दर इस रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस नहीं कर पाते और इसके नीचे अगेन सेलर्स आ जाते हैं तो यहाँ से फिर थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर की पॉइंट बस ये है समझने लायक कि अगर आप बाइंग में बैठे हो और सेलर्स आ गए हैं एकदम से, तो यहाँ पर पैनिक नहीं कीजिए, यहाँ पर अगेन बायर्स आते ही आते हैं। बहुत कम टाइम आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरा जो बाइंग मोमेंटम है ये सेलर्स यहाँ पर ड्रेन आउट कर देते हैं, तो यहाँ पर हमेशा हमें वेट करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल में अगर यहाँ पर हम अपनी पोजीशंस देख लें तो कुछ ये चल रही है, और जो मेरा कोटक वाला अकाउंट है यहाँ पर सिंगल लॉट में चल रहा था, तो यहाँ पर नियर बाय कॉस्ट टू कॉस्ट है, तो देखेंगे जैसा भी हमको प्राइस मिलता है तो हम यहाँ पर एग्ज़िट को प्लान करेंगे दोनों ही अकाउंट में। तो यहाँ पर अभी वेट करेंगे। ओके तो ओके गाइस, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बाइंग मूवमेंट अगर पहले है तो वो कंटिन्यू होता है। ओके तो ओके गाइस, हमारा अकाउंट वन में 518 का प्रॉफिट हो चुका है, और जो अकाउंट टू है यहाँ पर हमने एग्ज़िट कर दिया है यहाँ पर, और 2300 के अप्रॉक्स प्रॉफिट है। तो यहाँ पर अभी और अपॉर्चुनिटी के लिए वेट किया जाएगा, बट अभी मार्केट सैचुरेट हो चुका है। फ्यूचर्स में जो है 45,400 से 45,500 के बीच में हमको सेलर्स देखने को मिलेंगे, तो मार्केट जो उसका बेसिक नेचर है उसको रिपीट करते हुए यहाँ पर कंटिन्यूशन करेगा, तो फिर फर्दर प्लान किया जाएगा सेकेंड हाफ में। तो मॉर्निंग ट्रेड मेरा यहाँ पर अभी मैं ओवर करता हूँ और वेट करूँगा यहाँ पर। ओके गाइस, तो हमारी एंट्रीज हो चुकी है और यहाँ पर अप्रॉक्स 100 पॉइंट का SL है, 15 क्वांटिटी है क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड हो रहा है।
Thank you.